ये खबर देता हूँ कि उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, ठीक है जी, हैं तो वो फाउंडर की, लेकिन जब वो अंदर स्टैंप लगाने गई तो सबसे पहले उन्होंने फूल पे लगा दी जी। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला हम सब भाई भाई हैं, मिल के काम करेंगे। दूसरी पार्टी वो भी हमारे भाई हैं, गुलबर्ग की बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करेंगे। इलेक्शन तक हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, कल से हम सब एक होंगे और मिल के कारोबार करेंगे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन वी आर फिल्मिंग अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलबर्ग के अंदर जो रियल इस्टेट यूनियन है उनके इलेक्शंस की कैंपेन जो है फॉर द पास्ट 20 डेज चलती आ रही थी, तो फाइनली आज 17 जून का डे था जब इनका प्रॉपरली इलेक्शन होना था और जो कि इनफैक्ट हो रहा है इस टाइम। मेरे पीछे आप ये रियल आर्केड की बिल्डिंग भी देख सकते हैं। करंट अगर मैं आपको बताऊँ तो बिजनेस पार्क के अंदर हम लोग मौजूद हैं और ये रियल आर्केड की हमारे पीछे बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन जो है और जो वोट कास्टिंग है उसका अमल जो है वो जारी है। अच्छा जी, तो अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग किस पार्टी को सपोर्ट करें बीइंग यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस, तो इलेक्शन जैसे कि आप लोग जानते हैं एक पर्सनल राइट होता है किसी भी बंदे का कि वो किसी भी पार्टी को वोट करे, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट बी न्यूट्रल एट दिस स्टेट। न्यूट्रल्स के जो आजकल मामला हैं वो आप लोगों के सामने हैं। सो कंसिडरिंग दैट फैक्ट वी आर करेंटली सपोर्टिंग द फाउंडर ग्रुप जिसके प्रेजिडेंट हैं मिस्टर मलिक नजीब साहब, हु हैज़ बीन द पेनिट्रेटेड थम इन द रियल इस्टेट मार्केट ऑफ गुलबर्ग ग्रीन्स फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। ही हैज़ बीन गिविंग हिज सर्विसेज, तो उस हवाले से आज की डेट में हम इंशाल्लाह भी उनकी तरफ ही जाते हैं जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टाइम हम लोग मौजूद हैं विद द प्रेजिडेंट ऑफ फाउंडर ग्रुप और अभी हम लोग उनसे जानते हैं कि वो किस तरफ मामला को जाता देख रहे हैं। अब से पहले आप फॉर द पास्ट मैनी डेज देखते हैं कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो कैंपेन रन की गई थी, और स्पेशली अगर आप लोग मेरे एंड से पूछा जाए मेरी पर्सनल कैपेसिटी में क्या एक कंसर्न से, तो अभी लास्ट जो एक पावर शो हुआ है उसमें जो मलिक साहब की जो कैंपेन थी, आई वाज प्रीटी मच इंप्रेस्ड विद द वर्ड्स एंड स्टेटमेंट। ही वाज सो मच प्रिसाइज एंड डिटरमिंड विद हिज वर्ड्स। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा बेहतरीन सिस्टम अभी चलता है, हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। वी कैन एक्सपेक्ट किसी भी किस्म का बाद में कोई रिगिंग का एलिमेंट नहीं आएगा और इस टाइप की किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। तो मौजूदा तौर पे अभी आप किस तरह से देख रहे हैं ये जिस तरह से भी लोगों का फ्लो है ट्रेंड है, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट किस तरफ जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, उसके बाद गुलबर्ग इंतज़ामिया का शुक्रिया, इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर ग्रुप पुराना ग्रुप है और इंशाल्लाह ताला हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। सुबह से जो टर्नआउट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लोग बड़े दरजोग आ रहे हैं और अपने उन्होंने ऑफिस भी बंद किए हुए हैं और सारे वो वोट पोल करने आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग विन करेंगे और पहले भी काम करते रहे हैं और आने वाले दिनों में गुलबर्ग के डीलों के मज़ीद जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँगा। नॉर्मली ये होता है कि बिकॉज अभी का अगर हम लोग माहौल देखें इलेक्शन के टाइम का, तो इस टाइम डेफिनेटली हर बंदा जो है वो एक पार्टी बन के बैठा हुआ है। इवन अगर आप मेरी पर्सनल कैपेसिटी में बात करें तो मैं अभी फाउंडर ग्रुप की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रख रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो आप इस चीज़ को अभी आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह हम लोग क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके विन वाली जो रेशो है वो ज़्यादा है, बाकी अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको कामयाब करे, तो राइट आफ्टर इलेक्शन अल्लाह पाक आपको कामयाबी देता है, तो आप क्या कोई ग्रजेस वगैरह लेकर आएंगे दूसरी पार्टी को लेके, या आप किस तरह से चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगे? जी इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला हम सब भाई भाई हैं, मिल के काम करेंगे। दूसरी पार्टी वो भी हमारे भाई हैं, गुलबर्ग की बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करेंगे। इलेक्शन तक हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, कल से हम सब एक होंगे और मिल के कारोबार करेंगे। बिल्कुल ऐसी है मेरी नज़र में, बल्कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट कि कोई राइवलरी वाला एलिमेंट ऐड हुआ है। इससे पहले क्योंकि राइवलरी वाला एलिमेंट नहीं था, अब राइवलरी आने से ये हुआ है कि प्रॉपर डीलर कम्युनिटी जो है वो मोबिलाइज हुई है। आप अगर बड़े एक शॉर्ट से फॉर्म में अगर आप अपना बताना चाहें कि एग्जैक्टली आप लोगों का मंशूर या डॉक्ट्राइन जो है आप लोगों की राइट आफ्टर इलेक्शन, वो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं आगे? हाँ, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंशाल्लाह पहले भी लोगों के काम किए हैं, आने वाले दिनों में भी जो डीलर टू डीलर मसाइल है, डेवलपमेंट के मसाइल हैं, सोसाइटी के मसाइल हैं, थाना कचहरी है, टैक्स के मसाइल हैं, जो भी छोटे बड़े मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला हमारी पुरानी टीम है, काम करने वाले लोग हैं, मिल के इसको हल करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। चले जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अब से कुछ देर पहले हमने मिस्टर मलिक नजीब साहब का इंटरव्यू लिया जो कि प्रेसिडेंट हैं फाउंडर ग्रुप के। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आसिम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं हम आवाज ग्रुप के, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका माइंडसेट क्या है अभी मौजूदा सूरत हाल को लेके। इनके इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक चीज़ एडमायर करना चाहूँगा कि अभी डीलर कम्युनिटी में मोबिलाइजेशन लाने वाले और एक हरकत पैदा करने वाले, सबसे पहले तो इनको क्रेडिट जाता है क्योंकि इससे पहले एक बिला मुकाबला मामला चलते आ रहे थे, बट एटलीस्ट अब ये है कि सारी डीलर कम्युनिटी एक पेज पे आई है,
प्रॉपर मोबिलाइजेशन हुई हैं और एटलीस्ट कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं। तो सबसे पहले तो जी उसके लिए आई वुड एक्सटेंड अ वेरी गुड विशेस टू यू, कि आपने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल अब आप कैसे फोर्सी कर रहे हैं, बिकॉज मलिक साहब तो समहाउ काफ़ी हद तक पूरे उम्मीद हैं और माशाल्लाह आप लोगों के एंड से भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की गई हैं, आप लोगों ने भी बड़ी अच्छी एक रैलीज वगैरह निकाली और सारा कुछ किया। मौजूदा जो करंट अभी हवा चल रही है, आप किसकी तरफ जाते देख रहे हैं? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया, जैसे आपने बताया कि इस वक्त जो हमने पहली दफ़ा एक इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आज का दिन उनके लिए बड़ा ही मुबारकबाद का दिन है कि वो अपना आज वोट कास्ट कर रहे हैं। गुलबर्ग हिस्ट्री का ये पहला वोट है। और सर हवा की बात है, देखिए ठंडी हवाएँ चल रही हैं, ठीक है जी, और इंशाल्लाह शाम को अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगी यहाँ पे। मैं उस दिन भी मैंने बोला था राज़िक अल्लाह की ताला की ज़ात है, नो डाउट, ठीक है जी। यहाँ पे चंद ऐसे लोग हैं जो इनको हमारे दोस्तों को बड़ा प्रेशर डाल रहे थे। ये तो जब बैलेट बॉक्स अंदर जाते हैं ना, जब उस वक्त देखें मोबाइल भी अंदर नहीं लेके जा सकते, ठीक है जी, ये तो हलफ भी उठवाते रहे, वो तस्वीरों का भी कहते रहे, अब हो गया टोटल काम न्यूट्रल, ठीक है जी, अब अंदर जाएंगे, दिल की आवाज़ हम आवाज़ है। मैं आपको ये खबर देता हूँ कि उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, ठीक है जी, हैं तो वो फाउंडर की, लेकिन जब वो अंदर स्टैंप लगाने गई तो सबसे पहले उन्होंने फूल पे लगा दी। अच्छा, ठीक है जी, बहुत, लेकिन अब वो थी तो सपोर्टर उनकी, उन्होंने फिर फाउंडर पे भी लगा दी, ठीक है जी, और बहुत बहुत अच्छी सपोर्टर हैं वो फाउंडर की, ठीक है। लेकिन जो इतने कट्टर सपोर्टर हैं फाउंडर के, उनके दिल में भी हम आवाज़ और फूल है। आप आगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह रिजल्ट क्या आएगा। हवा तो ठंडी चल रही है, इंशाल्लाह शाम तक ठंडी चलेगी। मुझे भी थोड़ा तजस्सुस स्टार्ट हो गया, बिकॉज जिस डिटर्मिनेशन के साथ इन्होंने बातचीत की है, लेट्स होप। पहली चीज तो ये देखे जी, कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल जी, ये तो कोशिश मैं एडमायर वंस अगेन करूंगा कि आप लोगों ने एटलीस्ट कोशिश की, एक इनिशिएटिव लिया, एक बीज बो दिया। इट्स नॉट मैंडेटरी कि इसके आउटकम्स अभी निकले, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट जो आगे अपकमिंग इलेक्शन कैंपेन होंगे उसमें भी निकल सकते हैं। बट अगेन आपके भी माशाल्लाह होप्स काफ़ी हाई हैं उनकी तरफ से भी। अभी बड़ा गर्मा गर्मी का मौसम है, दोनों साइड्स पर जो है थोड़ी पार्टनिंग हुई हुई है, एक लॉबीज बनी हुई हैं, तो राइट आफ्टर इलेक्शन आप लोग कैसे देखते हैं? बिकॉज हमारा एक रियल इस्टेट एजेंट्स का काम है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना पड़ता है। कोई ग्रजेस आपके माइंड में रहेंगे किसी टाइम पे, किसी पॉइंट पे, कि उन्होंने उस टाइम इस तरह से गेम्स चले या यूं चले? सर देखिए, इस वक्त आप माहौल देख रहे हैं, मैं मलिक साहब के साथ बैठा हूँ, वो मेरे साथ बैठे हैं, हम अपने वोटर्स को मिल रहे हैं। कोई भी इस वक्त मेरे ख्याल से हमारी आपस में अभी तक एक दफ़ा तू भी नहीं हुई। बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन चल रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह शाम तक भी ऐसे ही चलेगा और कोई मैटर नहीं होगा। हमने इसीलिए इलेक्शन करवाए, ये जो आज दिन है ये सुनहरे रूप में लिखा जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद कल की तारीख से जो कारोबार शुरू होगा, जो हमारे आपस के जो मामलात, इंशाल्लाह इतने अच्छे होंगे कि और मैं ये रिक्वेस्ट भी सारे दोस्तों को करता हूँ, रात को मैंने ये मैसेज चलाया कि हमने कल से कारोबार करना है। बिल्कुल, आज एक देखें हेल्दी एक्टिविटी है, सारे दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमारे 500 डीलर इस वक्त आज एक दूसरे से मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे कारोबार बढ़ेगा या कम होगा, आप मुझे बताएं। ठीक है जी, जब आपस में मिल रहे हैं, कल एक दूसरे के साथ मिलेंगे और सब, किसी ने फूल का निशान लगाया हुआ है और किसी ने शाइन का लगाया हुआ, लेकिन हम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँ, आज जीत जो है ना वो गुलबर्ग और गुलबर्ग के डीलर्स की है। कोई मलक में जीत नहीं जीतेगा, कोई आसिम सेठी नहीं जीतेगा, सिर्फ जीतेगा कौन? आज गुलबर्ग का तमाम डीलर जीतेगा, आज गुलबर्ग इंशाल्लाह जीतेगा। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है, तो बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी सीरीज चलेंगी उसमें अल्लाह खैर रखे, वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ ऑफ द पार्टीज, इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। जैसे अभी आप लोगों ने दोनों पार्टीज के मंशूर सुने, हमारी दोनों जो पार्टीज के प्रेजिडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत हुई, फाउंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर मलिक साहब के साथ और हम आवाज़ ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं कैंडिडेट मिस्टर आसिम, दोनों के साथ मुलाकात हुई, आपने उन दोनों के पर्सपेक्टिव, मंशूर, डॉक्ट्राइन और जो उनका मैनिफेस्ट है वो सुना, और इसके साथ साथ आप लोगों ने उनकी जो भी करंट ऑन गोइंग जो ट्रेंड्स हैं वो भी सुने। तो अगेन व्हेन इट कम्स टू और एंड यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस के एंड पर जब एक बात आती है तो वी आर स्ट्रेट अवे विद मिस्टर मलिक नजीब साहब, हमारी भरपूर सपोर्ट उनके साथ है क्योंकि फॉर मोर देन 12 ईयर्स वो इस मार्केट के अंदर पेनेट्रेटेड थम हैं और उनके जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं विद डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट्स, चाहे वो गुलबर्ग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे वो किसी भी किस्म का डिपार्टमेंट हो, तो वो इश्यूज रिजॉल्व करवाने में उनके लिए जो एक एफर्ट है वो रिलेटिवली कम है और उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है सारे डिपार्टमेंट्स के साथ वो रिलेटिवली बेहतर है। तो वट आई वी पर्सनली बिलीव इज़ के इट्स वे अ लॉट ईजियर फॉर हिम
टू स्ट्रीमलाइन द थिंग्स एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप। तो इंशाल्लाह और होप्स आर वेरी हाई, इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप विल बी द वन जो आज लीड लेके जाएगा, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोग देखेंगे कि गुलबर्ग के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं इन फॉर्म ऑफ रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन्स, तो वो इंशाल्लाह बड़ी बेहतर होंगी। तो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स के लिए भी स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग और चैनल यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जज़ाकअल्लाह खैर।